वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यशम प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा कांते श्रिता में सत निंदित सारदेन्दुर यत्रैकतो बिलसिता मसितांग शोभा वृंदावने पिकृतया मुनिगांग संघं राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरे वंदित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च दधासि नित्यं भावानुसारेण सदा नरा नृसिंहं श्रीगुरु वंदे साक्षात् नारायणात्मकं चिदानंदधनं पूर्णं कारुण्यामृतसागरं आये हनुमंत विराजिये कथा कहूं मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरूं पधारिये पवन कुमार प्रेम सहित गादी धरूं विराजिए पवन कुमार गजानन भगवान की जय नारायण भगवान की जय प्रभु जी मैंने आप ही आप भुलायो प्रभु जी मैंने आप ही आप भुलायो प्रभु जी मैंने आप ही आप आप ही आप बुलाए गुरु जी मैंने गुरु
हे प्रभु, हम अपने आप को खो बैठे हैं। प्रभु कृपा करो, हम अपने आप को पहचाने और उस प्रभु की शरण में चले। प्रणाम करते हुए अपने आप को पहचाने, हम कहां खो चुके हैं प्रभु, हमें सही मार्ग पर ले जाओ। आपको याद रखना हम किस लिए आए हैं, ठीक है? तालियां और भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान को भजने के लिए, इसलिए आप भजिएगा सब लोग। श्रीराज Thank you.
देश बहु दिन भटका, देश विदेश बहु मैं भटका, तुझ पर दोष लगाया प्रभु जी मैंने, आप ही आप बुलाया गुरु जी मैंने, आप ही आप बुलाया प्रभु जी, गुरु जी सुन ले चतुर सुजान, सुन ले चतुर सुजान, सुन ले चतुर सुजान, हिया काहोवे। यदि जीवन में गुरु नहीं है तो पार नहीं हो सकते। जो अंधकार जो संसार की कुआ है इससे पार करने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, वो सदगुरु से प्रदान हो। सुन ले चतुर सुजान, ये जो जीवन है हम लोग सब अंधे के समान जीते हैं। यदि आंख हमें जो शुद्ध निर्मल त्रिश्री नेत्र है जो भगवान के दर्शन कराते हैं, वो चक्षु वो ज्ञान सदगुरु हमें प्रदान करो, ओ भगवान हमें प्रदान करो। गुरु जी मैंने आप ही आप बुलायो, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलायो, प्रभु 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 जी मैंने आप ही आप बुलायो, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलायो, गुरु जी मैंने आप ही आप बुलायो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, भद्र विशाल भगवान की जय, गंगा यमुना मैया की जय, नैना मैया की जय, ज्वाला मैया की जय, चिंतपूर्णी मैया की जय, वज्रेश्वरी मैया की जय, नरसिंह भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, मात पिता गुरु देवता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोले प्यार श्री महाराज की जय। आइए परम मंगलमय आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता मंडप पर विराजमान समस्त आवाहित देवी देवता, इस यज्ञ के कुशल आचार्य समस्त ब्राह्मण मंडली, संगीत मंडली, कथा में पधारे समस्त कथा प्रेमी सज्जनों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम है। इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमान श्री हरि सिंह जी, माता सुनंदा देवी जी, पुत्र वधु मौनिका देवी जी, आपके बालक आशीष सिमरन, श्री अजय जी, आपकी धर्मपत्नी मीनू जी, मयंक आरव और माता इंद्रा देवी जी, आपके समस्त राणा परिवार और आपके समस्त ग्रामवासी भाई बांधवों के सहयोग से आज भगवान की कथा चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। उन पुण्यात्मा को प्रणाम करते हैं जिनकी पुण्यतिथि में, जिनकी याद में आप हम लोग भगवान की कथा सुन पा रहे हैं। ऐसे हो दिव्य आत्मा वैकुंठवासी श्री विजय जी, कृपा राम जी, समस्त पितृदेवता, पितरों की कृपा हुई, भगवान का आशीर्वाद अनुकंपा हुई, अनुग्रह हुआ और आज हम निर्विघ्नता पूर्वक भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं।
आज चतुर्दिवस में सबको बहुत बहुत प्रणाम है। और सामान्य भाव में जब वर्षा होती है ना किसी कार्य में, मानते तो हम शुभ हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो आयोजक हैं, वो थोड़ा घबराते हैं। ये हम सबका स्वभाव है कि अव्यवस्था ना हो जाए, बारिश ज्यादा हो जाएगी तो। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, जो बारिश होती है तो हमारा मन कैसा करता है, क्या लिखा है? घन घमंड नव गर्जति घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड नव गर्जति घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। जब बारिश होती है आवाज आकाश में जोर जोर से, घन घमंड नव गर्जत घोरा, जो करता है, जो आयोजक है, उसका मन घबराता है, सामान्य स्वभाव। लेकिन आप सब लोग जानते हैं जब बारिश होती है उसको हम शुभ मानते हैं, शास्त्र में शुभ मानते हैं। और आप लोगों ने भागवत की कथा सुनी होगी, भगवान कृष्ण का अवतरण कब हुआ था? भादों के महीने चौमासा, जानते हैं आप लोग? जानते हैं चार महीनों को चौमासा बोलते हैं, जानते हैं आप लोग कौन कौन से, कौन कौन से महीने चौमासे में? जेठ आषाढ़ श्रावण और भाद्रपद, इन महीनों को चौमासा कहते हैं। इन महीनों में वर्षा अधिक होती है, और जिस दिन भगवान कृष्ण आए और बारिश ना हो, वर्षा ना हो, तो फिर भगवान की कथा का क्या प्रभाव जाने हम है? सुबह भगवान ने इस माटी को पवित्र कर दिया, जब भी भगवान कृष्ण का अवतार होता है कथा में, जब भी हुआ है, तो उस दिन वर्षा जरूर बरसती है। शास्त्रों में लिखा है कि जब वर्षा होती है तो क्या होता है? अन्न होता है, सब जानते हैं। अन्न होगा तो हम सबका पोषण होगा, घास होगी, पशु का पोषण होगा। लेकिन सामान्य भाषा में, सामान्य बुद्धि में हम समझते हैं कि जब बारिश हो जाए किसी कार्य में, तो वो दिन ठीक नहीं मानते, क्योंकि अव्यवस्था हो जाती है। लेकिन पुराणों में क्या लिखा है कि बुरा दिन कौन सा है? बारिश वाला दिन बुरा है या कोई और दिन बुरा है, ध्यान से समझना। यद्दिनम दुर्दिनम मन्ने मेघा छिन्नम दुर्न दुर्दिनम, यद्दिनम दुर्दिनम मन्ने कृष्ण पीयूष वर्जितम। क्या बोल रहे हैं? यद्दिनम दुर्दिनम मन्ने, वो दिन बुरा दिन नहीं है जिस दिन वर्षा होती है। बुरा दिन कौन सा है, किसको मानते हैं आप बुरा दिन? शास्त्रों में तो लिखा है कि यद्दिनम दुर्दिनम मन्ने कृष्ण पीयूष वर्जितम, जिस दिन हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं वो दिन बुरा दिन है। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए जब हमारी अनुकूल काम न हो तो हम उसको बुरा मान लेते हैं, जो ठीक न लगे वो बेकार है। लेकिन बेकार कौन है, ध्यान रखना, संसार में बेकार कुछ भी नहीं है। एक बार गुरुजी ने अपने शिष्यों को पूछा कि सबसे बेकार संसार में क्या है, तो कुछ शिष्यों ने कहा, गुरुदेव जो डस्ट होता है, जो कूड़ा होता है, वो बेकार होता है।